हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा आज संतान सप्तमी का व्रत है, उसी की सामग्री है ये। तो देखिए क्या क्या है इसमें, और वो चांदी के आभूषण रखे हैं जो हमारे इधर चूड़ी बोलते हैं, वो मैंने खरीदी है इस साल, तो वो रखी हुई है। देखिए, मैं मम्मी जी को रंग लगा रही हूँ पैरों में, महावर जिसको बोलते हैं, अंतरा भी बोलते हैं इसको, तो वही मैं मम्मी जी को लगा रही हूँ। हम सब लोग मिलकर इसी तरीके से हर बार पूजा करते हैं। तो देखिए, लगा रही हूँ मैं उनको। उन्होंने पहले अपना डिज़ाइन गड़बड़ कर लिया था, तो मैं उसी को ठीक कर रही हूँ। बोल रही हैं ये इस पैर में ऐसा हो गया, ये इस पैर में ऐसा हो गया है, तो मैंने बोला चलिए मैं ठीक से डिज़ाइन लगा देती हूँ। इसीलिए हम दोनों हंस रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसे डिज़ाइन बना दूँगी तो आपका दोनों पैर एक जैसा लगने लगेगा, तो वही मैं बना रही हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं पूजा करने में, क्या करें, व्रत जिस दिन होता है उस दिन काम इतना ज़्यादा निकलता है और कितना भी जल्दी जल्दी कर लो हो ही जाते हैं लेट। फिर बाद में जब तैयार होने का टाइम आता है तो ये पहन लो, वो पहन लो, ये छूट गया मेरा, वो छूट गया। आपको तो पता ही है श्रृंगार हमारा कभी ख़त्म नहीं होता। तो वही मम्मी जी मेरे को बोल रही हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ तैयार होके, तो पूजा कर लें जल्दी। हम लोग जब भी व्रत रहते हैं तो इसी तरीके से अपने पैरों में महावर लगाते हैं, चाहे सभी श्रृंगार कर लें फिर भी महावर ज़रूरी है। देखिए, मैं अपने पैरों में हल्दी लगा रही हूँ। शादी होने के बाद सुहागने जब भी अपने पैरों में महावर लगाती हैं उसके पहले हल्दी ज़रूर लगाती हैं, तो वो बहुत शुभ होता है। और कोरे पैरों में हमारे इधर महावर नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं पहले हल्दी लगा रही हूँ, इसके बाद अब महावर लगाऊंगी। देखिए, महावर लगा रही हूँ अब मैं अपने पैरों में। मुझे ये सब कुछ लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि साल में एक आध बार ही ऐसा टाइम आता है कि महावर लगाते हैं। ये देखिए, मम्मी जी जा रही हैं, बोल रही हैं मैं पूजा को और देख लूँ व्यवस्थाएँ, अब इसके बाद तुम आ जाना जल्दी तैयार होके। तो बस मैं लगा रही हूँ। सभी लोग अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, और बच्चे का तो पूछो ही मत। सुबह से मैंने बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, पूजा करनी है हम लोगों को, तो बस सुबह से तैयार होकर घूम रहे हैं कब पूजा होगी और कब प्रसाद मिलेगा हम लोगों को। तो मैं भी लगा रही हूँ इसी तरीके से। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो मैंने वो रखा है। मेरा बेटा आया इसके बाद से मैं ये व्रत रखने लगी। देखिए, मेरे पैरों में हो ही गया है ख़त्म लगभग। ये देखिए, बिटिया रानी आ गई है हमारी। मैं जिस तरीके से तैयार होती हूँ उनको भी वैसे ही कपड़े चाहिए। वो देखिए सर पे कैसे पल्ला रखी है, ये देखिए हमारे इधर घूंघट करते हैं तो वो भी देखिए कैसे पकड़े हुए हैं। पता है उसको कैमरा चालू है, ये बैठ गई है कैमरे के सामने। देखिए, अब पैर दिखाएंगी अपना कि देखो मेरे को भी लगा दो, और बिल्कुल उसको वैसा ही चाहिए जैसे मैंने लगाया है, वैसे ही लगवाइए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बोल देगी आपने तो ऐसा लगाया है और मेरे ऐसे लगा दिया, आपने मेरा पैर गंदा कर दिया, ऐसे बोलेगी। बिल्कुल बराबर चाहिए उसको, मेरे जैसा सब कुछ। देखिए, उसके पैरों में भी लगा रही हूँ मैं। एक बेटी होना घर में बहुत ज़रूरी है, बेटी के बिना भी घर घर जैसा नहीं लगता है। तो भगवान ने मुझे एक कन्या एक बेटी दी है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी एक बेटी है, और वो भी मेरे जैसे सब कुछ करना चाहती है अभी से। ये देखिए, लगा लिया उसने भी, सर पे पल्ला ऐसे रखी है जैसे नई दुल्हन नई बहू रखती है। हम लोगों को देखती है ना वो, तो जब भी हम लोग सर पे पल्ला रखते हैं या पूजा वगैरह करते हैं तो वो भी ऐसे रखती है। देखिए, लग गया उसको भी छोटी सी गुड़िया। कितनी अच्छी लग रही है, नज़र तो लगी किसी की। देखिए, पूजन में भी मेरे बगल में बैठ गई है आसन लगा के। अब मैं और मम्मी जी पूजा कर रहे हैं।
देखिए सर पे पल्ला रखे हुए है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग रख रहे हैं। हम लोगों का तो एक टाइम गिर भी जाता है लेकिन उसका नहीं गिरेगा। आप बीच बीच में उसको देखते रहिएगा कितने अच्छे से, देखिए बिल्कुल ऐसे बैठी है नई दुल्हन की तरह तैयार होके। तो देखिए पूजा विधि हम लोग पूजा करना चालू कर रहे हैं। मैं और मम्मी जी ने गणेश जी और गौरा पार्वती और शंकर भगवान की जो है तस्वीर लगा के उसकी पूजा करते हैं, शंकर पार्वती की। तो ये व्रत जो है बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है हमारे इधर। सुबह से व्रत रहते हैं, दूसरे दिन एक दिन पहले से एक बार खाना खाने के बाद, फिर एक ही बार खाना खाते हैं एक दिन पहले, इसके बाद से फिर दूसरे दिन से व्रत स्टार्ट हो जाता है। और इस व्रत में चांदी या सोने का गहना खरीदते हैं, जो भी आपको खरीदना हो उसको हाथ में, मतलब पैरों के लिए नहीं खरीदते, गले के लिए, हाथ के लिए, कान के लिए, जैसा आप खरीदना चाहे खरीद लीजिए, मगर पैरों के लिए नहीं खरीदते। तो हम लोग तो हाथ के लिए या कुछ भी खरीद लेते हैं जैसी व्यवस्था होती है वैसी, बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये भी लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कथा में कि आप सोना या चांदी ही खरीदें, जिसके पास है वो खरीदे, जिसके पास नहीं है वो एक जो आटी बोलते हैं हमारे इधर जो धागा आता है उसमें सात गांठ बांधकर अपने हाथों में बांध ले, अपने हाथ में, अपने बाएं हाथ में। तो बस ऐसे भी व्रत रखा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं सोना चांदी ही खरीदो, भगवान ये नहीं बोलते कि सोना चांदी खरीदो, बट लिखा है उसमें और इसलिए खरीदते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, तो जो चलता आ रहा है वही करते हैं और क्या। देखिए मैं कलश लगा रही हूँ, कलश स्थापित कर रही हूँ, तो मैंने उसमें जो आटी है वो बांध दी है। हम लोग इसी हर साल इसी तरीके से पूजा करते हैं सब लोग। जब सब लोग साथ में पूजा करते हैं तो अच्छे से पूजा हो जाती है। मैं हर साल अकेले पूजा करती थी, इस साल मम्मी जी लोगों के साथ में कर रही हूँ। ये मैंने कलश स्थापित कर दिया है, अब मैं उसका तिलक कर रही हूँ, फूल चढ़ाऊँगी, सब कुछ चढ़ाऊँगी। देखिए जो कुएँ मैंने बनाए थे हम लोगों ने, वो जो हमने प्रतिमा स्थापित की है उसके उस तरफ रख दिए हैं और इस तरफ रख दिए हैं, भगवान को भोग लगा दिया है। ये देखिए मैंने जो ख़रीदा है वो निकाल लिया है। अब मैं बेटे को बोल रही हूँ इसमें थोड़ा सा आग लेके आ जाओ। ये देखो इनको पता है कि कैमरा चालू है इसलिए बार बार उसके सामने आ रही है। देखो देखो बहुत चंचल है, बहुत शैतान है ये, बहुत शैतानी करती है। देखिए कैसे घूम रही है, बिल्कुल सर से पल्ला गिरा नहीं है। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, वो भी देखिए बैठ गई है आके। ये देखिए कैसे मुँह ढक लिया उसने, अब देखिए बिल्कुल गिरा नहीं है पल्ला। अब आरती हो रही है, बच्चे देखिए कोई घंटी बजा रहा है, कोई बैठ के ताली बजा रहा है, कोई कुछ। घंटी की बजाने के लिए भी हमारे घर झगड़ा होता है क्योंकि चार बच्चे और दो घंटियाँ बस, उसके लिए भी झगड़ा करते हैं वो लोग कि मैं बजाऊँगा। अब मेरे फादर इन लो आ गए हैं, मेरे ससुर जी, तो मैं मुँह ढक रही हूँ। हमारे इधर घूंघट करते हैं तो मम्मी जी से बोल रही हूँ गणपति जी की भी आरती कर दूँ कि शाम को ही करेंगे। तो बोल रही हैं जब भगवान को पूज रहे हैं तो उनको भी कर दो, उनकी पूजा भी कर दो, फिर शाम को कर देंगे। इस तरीके से हमारे इधर होती है पूजा अर्चना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। तो देखिए पूजा इस तरीके से हो रही है। ये हमारे ऊपर दादा ससुर और दादी सास हैं मेरी, जिनकी फ़ोटो लगी हुई है ऊपर, उनको दिखा नहीं पाई मैं क्योंकि कैमरा एक जगह सेट था। देखिए आरती हमारी संपन्न हो गई है, तो आप भी इस व्रत को रखें, ये बहुत ही अच्छा व्रत है हमारे बच्चों के लिए ही है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से बिताएँ, अच्छा भविष्य बने उनका। तो बस अब धोख कर रहे हैं हम लोग, धोखी देते हैं, धोखी बोलते हैं हमारे इधर जी। तो ये देखिए मेरी बेटी को देखिए आप, तो देखिए कैसे कैसे जिस जिस को देख रही है, दादी को, हम लोगों को, वैसे ही वैसे कर रही है बिल्कुल। देखिए बार बार कर रही है सबको देख देख के।
बस पूजा हमारी संपन्न हो गई है पूरा। और जो मीठे पुए रखे हैं इनकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप जा कर के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी होते हैं। देखिए बेटी मेरी खड़ी हो गई है, मैंने बोला चलो एक फ़ोटो खिंचवा लो। अच्छा ये यादें हैं।